Hello traders, welcome to your channel Chart with Trad. I hope you all are making money in this market. आज पहले हम निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है, उसके बाद जाकर स्टॉक का चार्ट एनालिसिस करेंगे, आज का जो ब्रेकआउट स्टॉक है। तो अभी जो आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर आप मेरा ट्यूजडे का वीडियो देखेंगे, वहां पे मैं आपको बताया था कि यहां पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना है, यहां पे जो पैटर्न बना है, और ये जो पैटर्न में भी टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था। और मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बताया था कि यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना है, ये हो गया कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना है, और उसका ब्रेकडाउन आया था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद लगभग यहाँ से 300 से 400 पॉइंट का डाउन मूव यहाँ से आया था। तो ये पैटर्न कॉप एंड हैंडल पैटर्न का अभी भी वो इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आएगी कि मेजर के सपोर्ट के पास अभी निफ्टी है। अगर आप देखेंगे तो जो 14,470 का जो लेवल है वो यहाँ पे मेजर सपोर्ट के काम कर रहा है। जब तक अभी प्राइस 14,470 के नीचे नहीं जा रहा है, नहीं टिक रहा है 5 से 10 मिनट, तब तक निफ्टी अभी सस्टेन करेगा और एक मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है, निफ्टी 14,470 को अगर ब्रेकडाउन करता है, उसके बाद शायद प्राइस नीचे और भी जो डाउनफ्लो और भी बढ़ सकता है। एक तो कॉपन हैंड पटन हो गया, अगर थोड़ा उसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे और एक पटन बना है, उसको जो हम बोलते हैं एम पटन। अगर देखेंगे, देखिए अगर आप ये बन गया है एम पटन, अगर नेकलाइन उसका है यहाँ पे, देखिए ये हो गया उसका नेकलाइन 14,470 है उसका नेकलाइन। अगर आज का लो जो है, अगर आज का लो निफ्टी ब्रेकडाउन करता है, कल जब भी करता है, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट लेके अगर बाउंस हो जाता है तो सही है। अगर आज का लो करता है तो प्राइस शायद आ सकता है 13,500 तक। क्या है कि जो एम पैटर्न है, जो पैटर्न में बनाया हुआ जो एम पैटर्न है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जब भी उसका नेकलाइन आज का लो कटेगा उसके बाद ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब तक उसके ऊपर है, मेरा व्यू से अगर आज का लो काटने के बाद अगर वहां पे सस्टेन नहीं करता है तो मेरे हिसाब से शायद पैटर्न यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न बन सकता है। रेक्टेंगल पैटर्न जैसे कि देखिए ए पैटर्न बन सकता है, अगर आज का लो ब्रेक नहीं होगा तो प्राइस ऐसे ही एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाकर देखिए प्राइस ऐसे ही घूमता रहेगा। ये हो गया एक बॉक्स में जो पैटर्न को मैं बोलता हूँ ब्रेकआउट स्टॉक जो भी लेता हूँ। देखिए उसके बाद इधर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, नहीं तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा, वो तो उस टाइम डिसाइड होगा। लेकिन जब तक आज का जो लो बना है वो इंटैक्ट है, सब तक हम होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद एक एम पैटर्न हो गया और एक जो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, दोनों का ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर आज का लो कटता है तो। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। अगर देखिए बैंक निफ्टी चार्ट में तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया है, तो देखिए वहाँ पे भी अगर, लेकिन बैंक निफ्टी का सबसे अच्छी बात है कि उसका सपोर्ट थोड़ा नीचे है। अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको मैं पहले वीकली चार्ट दिखाता हूँ। देखिए अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो देखिए उसका जो प्रीवियस लाइफ टाइम है था लगभग 32,658 के आसपास था। प्राइस जो है अभी जो पहला उसका जो रेजिस्टेंस था, अभी ब्रेकआउट करने के बाद ये जो बजट का वीक का जो कैंडल था उसके बाद जो ब्रेकआउट यहाँ पे गया, अभी यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। जो प्रीवियस उसका हाई था, रेजिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट एक्ट एज ए सपोर्ट अभी काम करेगा। तो बैंक निफ्टी ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 1000 से 1500 पॉइंट गिर सकता है, नहीं तो ज्यादा नहीं जा पाएगा नीचे, क्या कि वहाँ पे उसका मेजर सपोर्ट है। क्या कि अभी तो ऑलरेडी देखिए सबसे बात ये कि पीसीआर अभी ओवरसोल्ड है, पुट कॉल रेशियो अभी पूरा के पूरा ओवरसोल्ड है, शायद कल एक बाउंस आ सकता है ऊपर की तरफ। क्या कि इतना ओवरसोल्ड मार्केट में नॉर्मल एक बाउंस आ जाता है, तो इसलिए देखिए बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट का चांस भी नहीं है। अगर गैप डाउन होगा तो ज्यादा से ज्यादा और 1000 से 1200 पॉइंट यहाँ से गिर सकता है और यहाँ पे से सपोर्ट लेगा। और अभी जब डेरिवेटिव डाटा को आप देखेंगे तो क्योंकि पीसीआर लगभग अभी 0.85 के आसपास आ गया है, और आज का जो होगा 0.8584 जो भी होगा वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है, तो शायद निफ्टी बैंक दोनों में बाउंस यहां से मिल सकता है। तो आपके क्वांटिटी कंट्रोल में रखिए। और देखिए रिस्क थोड़ा बढ़ गया है मार्केट में, वो टाइम चला गया है जो मार्च अप्रैल का, जहां पे भी बाय करो प्राइस ऊपर ही ज्यादा था। अभी थोड़ा आपको स्टॉक को ढूंढना पड़ेगा, उसके एनालिसिस करना पड़ेगा, और आपका रिस्क रिवार्ड थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर रिस्क रिवार्ड बिगड़ गया तो आप मार्केट यहाँ पे आपको आउट कर देगा। तो उसी हिसाब से मैं एक स्टॉक आज आपके लिए लाया हूँ, वो स्टॉक है आईआरएस
आईआरसीटीसी। अगर देखें इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगर आप आईआरसीटीसी का चार्ट आप देखेंगे तो देखिए जो चार्ट बना है, पहले तो मैं जो टाइम फ्रेम लिया हूँ ये डेली का टाइम फ्रेम लिया हूँ। देखिए प्राइस एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, देखिए ये उसका एक पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये उसका हो गया रेजिस्टेंस जोन, उसके बाद ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर तीनों पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और नीचे से भी ऐसा ही एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रहा है। अगर मैं थोड़ा जूम करूंगा, जूम इन करूंगा तो देखिए वन सेकेंड, देखिए प्राइस नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये हो गया एक, यहाँ पे हो गया, बार बार ट्रेंड लाइन जा रहा है। देखिए अभी जो सीनियर ऐसा है कि मैं आपको पहले ही बोल रहा था, अगर कोई भी मेजर ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेकआउट करता है उसका रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद एक पुल बैक भी वहाँ पे आ सकता है, और जो भी एरिया उसका था पहले रेजिस्टेंस अभी वो एक्ट एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो देखिए जो लगभग 1700 के आसपास उसका जो था सपोर्ट जोन था, आज आईआरसीटीसी यहाँ से बाउंस किया है। अगर निफ्टी थोड़ा भी सस्टेन करेगा शायद यहाँ से हमारा जो आईआरसीटीसी है यहाँ से अपबूम दिखा सकता है, क्या कि जो उसका पुल बैक था जो प्राइस का, अभी पुल बैक कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ से प्राइस बाउंस हो सकता है। देखिए हर स्टॉक में मार्केट का रिस्क रहता है, अगर मार्केट में गिरावट आ जाता है 400-500 पॉइंट तो आईआरसीटीसी के नीचे आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है कि यहाँ पे ऐसा है कि सपोर्ट लेवल के आसपास अभी ट्रेडिंग कर रहा है, तो आईआरसीटीसी में आप लो रिस्क रिवार्ड लेकर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा रिस्क रिवार्ड बन रहा है और वो मेजर सपोर्ट लेवल के पास है आईआरसीटीसी। अगर आपको देखिए अगर आपके सेटअप में वो आ रहा है तो वहां पे आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ये भी याद रखिए आपके क्वांटिटी कंट्रोल में रखिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ डाउट है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।